बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से। योगी सरकार का बड़ा फैसला, चुनाव नहीं लड़ सकते अपराधी। जी हां, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे अपराधी। अपराधी नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। पंचायत चुनाव, पंचायत चुनाव को लेकर अधिकारियों को आदेश। गंभीर धारा में मुकदमे वालों की मांगी लिस्ट। एक हफ्ते में लिस्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। शांति से चुनाव कराना अधिकारियों की जिम्मेदारी। गड़बड़ी मिलने पर नपेंगे अधिकारी। बड़ी खबर, बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार का इस वक्त आरलाइन टीवी पर। एक हफ्ते में लिस्ट सौंपने को कहा गया है। शांति से चुनाव कराना अधिकारियों की जिम्मेदारी, योगी आदित्यनाथ ने बताई है। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त, योगी सरकार का बड़ा फैसला, चुनाव नहीं लड़ सकेंगे अपराधी। अपराधी नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव। बड़ी खबर इस वक्त ऑनलाइन टीवी पर। बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार का, योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। पंचायत चुनाव को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। गंभीर धाराओं में मुकदमे वालों की मांगी गई है लिस्ट। संदीप खेर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, बड़ा फैसला योगी आदित्यनाथ का, पंचायत चुनाव लड़ेंगे तो नपेंगे जो दागी हैं और जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, जिस तरह से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं और अपराध को रोकने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं। और देखिए, जैसा देखा जाता रहा था कि चुनाव में कई तरह के जो दागी छवि वाले होते थे वो प्रत्याशी बन जाते थे और उसके बाद चुनाव जीतकर जब वो जनता के बीच में आते थे तो जो पार्टी की छवि है वो खराब होती थी। उसको देखते हुए कह सकते हैं कि इस बार पंचायत चुनाव में साफ तौर पर अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि जो भी ऐसे मुकदमे वाले व्यक्ति हैं उनकी एक सूची मांगी गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कोई किसी पर किसी भी तरीके का कोई मुकदमा होता है या धारा होती है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। और साथ साथ एक बात और कही गई है कि जो चुनाव कराने का काम होता है उसमें जो अधिकारी लगाए जाते हैं, जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है, साफ तौर पर उनको अपनी ड्यूटी जो है वो सख्ती से निभानी होगी। चुनाव के दौरान किसी भी तरीके से कह सकते हैं शांति व्यवस्था नहीं भंग होनी चाहिए और जो शांति पूर्वक है वो प्रॉपर बनी रहनी चाहिए। तो अपने आप में एक अहम खबर देखी जा रही है कि अब जो भी चुनाव प्रत्याशी लड़ेंगे उनकी जो छवि है वो दागदार नहीं होगी। पंकज, संदीप, क्या इसको इस नजरिए से भी देखा जाए, पंचायत चुनाव यानी कि गांव की सरकार, शहरों की सरकार कहा जाता है, ग्रामीण इलाकों की सरकार कहा जाता है, बड़े परिप्रेक्ष्य में इसे देख सकते हैं, ये शुरुआत कह सकते हैं? देखिए पंकज, जाहिर सी बात है कि कई बार ऐसी कह सकते हैं चीजें सामने आई हैं, लेकिन जो अन्य पार्टियां रही हैं उन्होंने कभी भी इस तरीके का कदम नहीं उठाया है, जबकि अपने आप में ये बहुत ही अच्छा कदम है। लेकिन जिस तरह से ये कदम उठाया है उस तरीके से कहीं ना कहीं से एक परिदृश्य बदलेगा और जो प्रत्याशी हैं जो जनता के बीच में आएंगे उनकी छवि जो है वो एक साफ रहेगी। क्योंकि कई बार देखा जाता था कि कुछ प्रत्याशी जब जीत के जनता के बीच में आते थे तो उनकी छवि दागदार होती थी और उससे कहीं ना कहीं से पार्टी का नाम भी बदनाम होता था। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये शुरुआत करी है, अपने आप में इसको एक बहुत ही खास देखा जा रहा है और इसका जो फर्क है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी पड़ेगा कि लोगों के अंदर जहां एक तरफ लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति विश्वास कायम हो रहा है, इससे उनकी जो छवि है वो और कह सकते हैं उभर कर सामने आएगी। संदीप, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला लिया है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से अगर देखा जाए, चुनाव आयोग के चश्मे से, तो चुनाव आयोग कभी भी इतना सख्त फैसला लेता दिखाई नहीं दिया, चाहे वो चुनाव कोई सी भी हो, छोटे हो या फिर बड़े। बिल्कुल, देखिए पंकज, जाहिर सी बात है, देखिए चुनाव अगर हम बात करते हैं चुनाव आयोग की, लेकिन अब अगर हम बात करते हैं जिस तरह से साफ तौर पर कहा गया है कि दागीदार जो छवि वाले होंगे, तो अगर बात करी जाए कि इनका एनरोलमेंट ही कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं उनसे कह सकते हैं कि पूरी लिस्ट मांगी गई है कि अगर कोई भी एनरोलमेंट करता है, कोई भी चुनाव के लिए आगे आता है, तो सबसे पहले उसका एक पूरा डाटा जो है वो अधिकारियों के पास होगा, उसके खिलाफ अगर कोई भी मुकदमा है तो उसकी एक पूरी लिस्ट है वो तैयार करी जाएगी और अगर उस पर ऐसा कोई भी मुकदमा पंजीकृत होता है तो उसका एनरोलमेंट कैंसिल किया जाएगा, वो पंचायत चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा और ना ही वो पंचायत चुनाव लड़ पाएगा। तमाम पहलुओं को कह सकते हैं लेकर एक पूरा खाका तैयार किया जाएगा। अगर कोई भी पंचायत चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी जो छवि है वो एकदम साफ रहनी चाहिए। और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये प्रयास है कि जनता के प्रति जो प्रत्याशी हैं वो लगातार
अपना विश्वास बनाए रखें। अपराधों को रोकने में देखिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो यही है कि अगर प्रत्याशी ही अपराधी होगा तो वो किस तरीके से अपराध रोकेगा, किस तरीके से वो जनता के बीच विश्वास पैदा करेगा। तो उसमें कह सकते हैं कि अपने आप में एक ये राहत की खबर देखी जा रही है और एक ये बड़ा फैसला है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में लिया गया है। संदीप, अगर इसी खबर को विपक्ष के नजर से देखें, क्योंकि पंचायत चुनाव इस बार बहुत ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि तमाम पार्टियां पहली बार चुनावी मैदान में होंगी पंचायत चुनाव में, चाहे वो आम आदमी पार्टी का फैसला हो या फिर ओएसी और तमाम गठबंधन वाले आ रखे हैं, ऐसे में उनके चश्मे से किस तरीके से देखें, क्योंकि ये खबर सभी दलों के उम्मीदवारों के लिए है। बिल्कुल पंकज, जाहिर सी बात है, देखिए जैसे कि इस बार जो पहले अगर हम पार्टियों की बात करते थे जिसमें समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और भाजपा रहती थी, लेकिन इस बार अगर हम बात करते हैं ओएसी की पार्टी भी जो है वो पंचायत चुनाव लड़ने जा रही है, वहीं पर आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ने जा रही है, तो जाहिर सी बात है देखिए विपक्ष के लिए भी एक चौंकाने वाली खबर है। जिस तरह से विपक्ष जो है वो लगातार वर्तमान सरकार को अपराध को लेकर, वर्तमान सरकार को खराब कानून व्यवस्था को लेकर घेरता था अपने आप में, लेकिन ये जिस तरह का एक फैसला आया है उसके बाद जो विपक्ष के पास कह सकते हैं कि किसी भी तरीके के शब्द नहीं बचेंगे वर्तमान सरकार के बोलने के लिए, क्योंकि वर्तमान सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। वर्तमान सरकार का साफ तौर पर कहना यह है कि उनके किसी भी विधायक, किसी भी सांसद, किसी भी प्रत्याशी पे ऐसा कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, और आने वाले समय में ऐसे कोई मुकदमे वाला या अपराधी छवि वाला है वो प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ भी ना पाए, जिससे कहीं ना कहीं से पार्टी की साख खराब हो। तो अपने आप में एक अच्छी खबर है और विपक्ष के लिए तो देखिए जाहिर सी बात है चौंकाने वाली खबर है। अगर विपक्ष का भी कोई ऐसा प्रत्याशी होता है तो जनता के बीच में जो है वो उनका विश्वास टूटना तय होता है। तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से लगातार अपराधों को रोकने के लिए वो आगे आए हैं, जिस तरह से लगातार उन्होंने अपराधों से निपटने के लिए तमाम तरह के कानून बनाए हैं, उसमें अगर हम बात करते हैं चाहे वो उनके पोस्टर लगाने को लेकर हो, चाहे सख्ती से उनको जेल में डालकर लेकर हो, चाहे अगर हम बात करें अवैध संपत्तियों को नष्ट करने को लेकर हो, तो लगातार वो अपराधों को लेकर मॉनिटरिंग करते रहे, लगातार वो अपराधियों को जेल में डालते रहे, उसी में एक इस कदम को देखा जा रहा है कि अब जो भी पंचायत चुनाव होंगे उसमें किसी भी अपराधी प्रवृत्ति वाला जो होगा वो चुनाव को नहीं लड़ सकेगा। संदीप, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है, अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं पंचायत चुनाव को लेकर काफी सरगर्मियां, और इस बार का चुनाव काफी घमासान भी इसमें मचने वाला है जिस तरह की तैयारियां सभी पार्टियों ने की हैं, लेकिन उन सबसे इतर सवाल ये है कि जिन अधिकारियों को एक हफ्ते में लिस्ट दाखिल करनी है, निर्देश दिए गए हैं, उसमें क्या किसी अधिकारी को ये जिम्मेदारी दी गई है जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर, किस तरीके से व्यवस्था की गई है और कैसे चिन्हित किया जाएगा, क्योंकि जब तक उम्मीदवार मैदान में होगा नहीं कैसे पता चलेगा? बिल्कुल, देखिए पंकज आपको बता दें जिस तरह से कह सकते हैं कि देखिए जो भी ग्रामीण इलाके होते हैं जहां पे भी पंचायत की कह सकते हैं कि एक सरगर्मी सुनाई पड़ती है, और साफ तौर पे देखिए लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, लगातार वो अपराधियों के साथ कह सकते हैं संपर्क बनाए हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे मॉनिटरिंग करने के लिए कहा है, और साफ तौर पे देखिए इसमें जो कह सकते हैं बड़े अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी, उसमें चाहे वो मुख्य सचिव हो, चाहे वो कह सकते हैं कि प्रशासन के लोग हों, तो तमाम इसमें देखिए अधिकारियों की एक जिम्मेदारी बांटी जाएगी कि कहां कहां पर आपको मॉनिटरिंग करनी है। और देखिए जाहिर सी बात है कि पंचायत चुनाव में अभी बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया, क्योंकि देखिए साफ तौर से देखा जा रहा था कि मार्च और अप्रैल के बीच में पंचायत चुनाव हो सकते हैं, उसको देखते हुए ये पहले से अभी काफी समय है कि अगर कोई भी कह सकते हैं पंचायत चुनाव का जो लड़ने का इच्छुक है, प्रत्याशी है, तो उसके बारे में चाहे पता करने को लेकर हो या फिर उस ग्रामीण इलाके में उसकी छवि किस तरीके की, इसको करने के लिए अभी इनके पास पर्याप्त समय है। और इसमें अधिकारियों को भी साफ तौर पर कह दिया गया है कि आप लोग मॉनिटरिंग करिए, क्योंकि इसके पहले भी जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब मीटिंग करते रहे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर कोई भी अपराधी किसी भी तरह की हरकत करेगा तो उसमें अपराधियों की, उसमें जो हमारे अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही तय होगी। इसी को देखते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि अगर चुनाव होंगे पंचायत चुनाव तो उसमें किसी भी तरीके से शांति व्यवस्था नहीं भंग होनी चाहिए, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा देखा गया है कि पंचायत चुनाव में वहां पे जो मतदान स्थल होता है वहां पे किसी तरह की दिक्कत होती है, जिससे आम जनता के साथ साथ जो वहां पर मतदान के अधिकारी होते हैं उनको भी दिक्कत होती है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, लगातार वो चाह रहे हैं कि एक जो छवि है वो लगातार एक अच्छी उभर कर आए, क्योंकि देखिए 2022 में भी विधानसभा चुनाव है, और अभी से कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है, चाहे वो पीछे का चुनाव हो या फिर हम बात करें किसी भी चुनाव की, तो लगातार वो अपनी पूरी एक तैयारी के साथ में आगे चल रही है, ग्राउंड लेवल पर उतर रही है,
चाहे ग्रामीण में जाकर गांव में जाकर अपने 6 साल की उपलब्धियों को बताने को लेकर हो, चाहे उसने जो भी काम किए हो, चाहे अयोध्या का राम मंदिर हो या अगर हम बात करें धारा 370 लव जिहाद, तो खबर सिर्फ संदीप बस उन अपराधियों के लिए है जो आप चुनावी मैदान में अक्सर होते थे, दागी होते थे, लेकिन चुनाव लड़ते थे। इस बार उनकी खैर नहीं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।